हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, TA आर्मी भर्ती ग्राउंड्स को लेकर न्यू अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। TA आर्मी भर्ती में आज बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है। बात करेंगे, आज भी आपकी चारों ग्राउंड के अंदर भर्ती चल रही थी, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु, आपका सुमन बेलगामी कर्नाटका और देवलाली महाराष्ट्र के अंदर चारों ग्राउंड के अंदर आज भी आपकी भर्ती चल रही थी। बात करते हैं आज की भर्ती के अंदर क्या फेरबदल हुए, क्या कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि जो एज ज़्यादा एज है उन कैंडिडेट्स को क्या बेनिफिट हुआ, जो कम एज है उन कैंडिडेट्स को क्या बेनिफिट हुआ। वो जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने का काम करूँगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और TA आर्मी भर्ती की हर एक अपडेट, हर एक जनरल जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज आपका भाई आपको देता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जनरल जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आपका, जब से आपकी ये 4 साल बाद ये भर्ती आई है, तब से बच्चों के अंदर एक उत्साह अलग देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है, उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी में आप परमानेंट नौकरी मिल जाती है। बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले तो बात करता हूँ जो एज ओवर वाले कैंडिडेट हैं उनको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स में बता दूँ आपको, यदि आप कोई बंदे क्या करते हैं फोटोकॉपी लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो फोटोकॉपी वाले कैंडिडेट्स को सीधा सीधा वो बाहर कर रहे हैं। फोटोकॉपी नॉट अलाउड है, ओनली फॉर आपका ओरिजिनल होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखो ग्राउंड की लिस्ट में आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में लेकर आ चुका हूँ। पूरी की पूरी लिस्ट है, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स TA आर्मी के लिए जरूरी सूचना, आपका पूरी डिटेल्स जान लीजिए। एंट्री के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंट्री के टाइम आधार कार्ड, मूल निवास और 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए, यह आपकी एंट्री के टाइम चाहिए। इसके बाद 100 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, जरूरी नहीं है ये हर जगह 100 बच्चे का बैच बने, जो बिल्कुल आपके भाई बता दूं कोई जरूरी नहीं है 100 बच्चों का बैच बने। देखो दोस्तों बता दूं आपको, आज जो अपडेट आई वो ये आई कि 40 बंदों का भी यहाँ पर बैच बनाया गया। 40 बंदों का बैच किन का बनाया गया, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं 30 साल से ज़्यादा थे, मतलब 31 साल से जो ऊपर कैंडिडेट, 30 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट थे उनका आपका 40 बच्चों का ओनली फॉर बैच दौड़ा। 40 बच्चों में से 3 बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया, बाकी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर फेल कर दिया गया। बच्चे बोल रहे हैं टाइम दिया जा रहा है वो 5:20 आपका टाइम दिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई 6:30 मिनट आपकी नहीं दी जा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की बात करूँ, TA आर्मी भर्ती देखने जा रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेना। मतलब जो कैंडिडेट ऐसे सोच रहे हैं कि भाई यहाँ मेरा 100% यहाँ पर पास हो जाऊँगा, दौड़ आपकी दौड़ अच्छी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेकर जाइए। वैसे तो मैं बोलूँगा ये डॉक्यूमेंट्स हर के पास मिल जाते हैं, बस थोड़े से 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलते, मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। देखो जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें आप 10वीं की मार्कशीट चल जाती है, कोई इश्यू नहीं होता। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, जो भी आप दोनों आपको लेकर जाना जरूरी है। विवाहित प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मेरिड सर्टिफिकेट, और यदि आपके अनमेरिड हो तो अनमेरिड सर्टिफिकेट, वो आपको सरपंच के फॉर्मेट में मिल जाता है। सरपंच या पार्षद जो भी आपके मेन जो आपका है, आपके गांव का हो तो सरपंच मिलेगा, और यदि आप जिले से बिलोंग करते हो, यदि आप नगर पालिका से, उनसे वहाँ पर पार्षद से मिल जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन जो कि ऑफलाइन बनता है, 6 महीने वाला 3 महीने वाला, वो भर्ती के लिए स्पेशल बनता है, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता, वो आप पुलिस वेरिफिकेशन बनाकर ले जा सकते हो। एफिडेविट जो आपका जाते समय तहसील से बनता है, बिल्कुल आप तहसील से बना सकते हो, कोर्ट से भी आप बना सकते हो। 20 फोटो खिंचवा लेना, यानी 20 कम से कम आपके पास फोटो होनी चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे की, जो आज की अपडेट देखने को मिली, आज भी आपका बता दूँ 3:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग हुई और आपका 4:30 बजे आपका फर्स्ट बैच दौड़ा दिया गया था। बात करूँ हर एक ग्राउंड की रिपोर्टिंग सेम निकल कर आ रही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जो एज ओवर वाले कैंडिडेट है वो कम पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से बैच आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट का बना वो ओनली फॉर 40 कैंडिडेट का बैच बना, सॉरी 84 आपका 48 कैंडिडेट का बैच बना, 48 कैंडिडेट का बैच बना, जिसके अंदर से 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर पकड़ा गया। इसके बता दूँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु है यहाँ पर आपका जो मिक्स दौड़ाया गया, मतलब एज वाले कैंडिडेट्स को भी सेम आपके साथ, जो एज ओवर वाले कैंडिडेट हैं उनको भी, जो आपके 30 साल से नीचे उनके साथ ही मिक्स दौड़ा दिया गया, तो वहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो नोकझोंक बच्चों के साथ में हुई, और वहाँ पर TA आर्मी भर्ती के अफसर खुद आगे बोले कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूँ यहाँ पर सोमगामी देवला आपका देवला कर्नाटका के अंदर भी आपका
कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। देवघर कर्नाटक के अंदर 100 बच्चों का ही आपका बैच बन रहा है। बता दूं यहाँ पर 2 बैच आपके जो एजवर वाले कैंडिडेट है उनके बने, 200 कैंडिडेट्स के लगभग आपके एजवर वाले कैंडिडेट आपका कर्नाटक के अंदर आए। देवलाली महाराष्ट्र के अंदर बता दूं, देवलाली महाराष्ट्र के अंदर बता दूं आपको हर एक अपडेट दे रहा हूँ कि आपके यहाँ पर इसी बता दूं यहाँ पर जो ग्राउंड्स है उस ग्राउंड्स की अपडेट ये आ रही है कि जो दौड़ है वो दौड़ आपकी 8 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर दी जा रही है। यही दो रिपोर्टिंग आ रही है। बाकी यहाँ पर देखो 100 बच्चों का बैच वाली रिपोर्टिंग आ रही है। बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है, हो सकता है ज्यादा का भी आगा 5-10 ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, वो डिपेंड करता है। बाकी बता दो आपको TA आर्मी भर्ती की आज भी वही चीज़ देखने को मिल रही है जो आपको कल देखने को मिली थी। अब आगे आगे देखो क्या होता है वो डिटेल में आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराता रहूंगा। TA आर्मी भर्ती से जो कल कैंडिडेट आप यहाँ पर फिट हुए थे उन कैंडिडेट को मेडिकल डेट दी गई है, मेडिकल डेट आपकी आज की दी गई है, उन कैंडिडेट्स का आज मेडिकल होना है। तो आपकी तुरंत काम हो रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं, आपका काम नहीं हो रहा है, तुरंत आपका काम हो रहा है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि तुरंत काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल आराम से आपका तुरंत काम हो रहा है। बाकी देखो मैं TA आर्मी भर्ती से रिलेटेड आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी आपका केवल Zone 4 की भर्ती चल रही है, अभी Zone 2 की भर्ती आपकी फर्स्ट की भर्ती चलेगी, वो 10 नवंबर से चालू है, जिसके अंदर आते हैं लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली आते हैं। फिर आपका Zone 3 की भर्ती चलेगी, वो 12 नवंबर से चालू है, जिसके अंदर सिक्किम, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आता है, ठीक है, जिसका आपका सम्मान वेजीपुरम में आपका स्टेडियम में होने वाला है। और Zone 2 की भर्ती है वो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले थे, पिथौरागढ़ आपका उत्तराखंड और दानापुर बिहार में आपकी भर्ती होने जा रही है। तो ये भर्तियां होने जा रही है। बाकी बता दूं TA आर्मी भर्ती से हर एक डिटेल्स आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, हर एक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। ये जानकारी आप भी मेरे साथ कर सकते हो, TA आर्मी संबंधित आप मेरे पास वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9024 65 47 85। इस व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और इस व्हाट्सएप पर आप वीडियो वगैरह अपने फोटो वगैरह सेंड कर सकते हो और अपना रिव्यू जरूर दे देना। बाकी देखो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, मैं आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ आपका भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।